कई फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाले बॉलीवुड एक्टर केतन करांडे मंगलवार को सूर्यनगरी पहुंचे। उन्होंने आयुषी टावर में कैफे का उद्घाटन किया। केतन ने बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान सहित कई अभिनेताओं के साथ अभिनय किया है। मैं बॉडी बिल्डिंग में लास्ट 20 साल से हूँ, खुद जिम कर रहा हूँ लास्ट 28 साल से, और अराउंड बहुत हार्ड वर्क किया है मैंने। नेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए, स्टेट में अराउंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अराउंड 300 से ऊपर मैंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करी है। खुद का जिम है, अराउंड 600 से 800 लोगों को मैं सिखाता हूँ रेगुलरली, जैसे टाइम मिले वैसे। फिल्मों का करियर मेरा शुरू हुआ 99 से अशोका फिल्म से, और मैंने फिल्में देखी हिंदुस्तानी, मजबूर, उसके बाद फुल एंड फाइनल, गॉड सीक्रेट, मुझसे शादी करोगी। फिर मैंने पहली फिल्म मैंने की थी अशोका। अब नसीब ऐसा है कि मेरा नसीब चल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ड वर्क में तुम्हारी जो किस्मत है बदल देती है, तो वैसे ही मैंने शुरू कर दिया। बट एक के बाद जब तुम्हारी जबान अच्छी होगी, तुम्हारा रिलेशन अच्छा होगा, तुम्हें काम मिलना शुरू हो जाता है, तो बस उसके बाद मुझे काम मिलना शुरू हो गया। मेरा पहला बड़ा अच्छा बेटा सलमान के साथ मैंने फिल्म की थी, मुझसे शादी कर लिया। फिर बहुत छोटा सा किरदार मिला था, लेकिन वो बहुत बड़ा हिट हुआ। उसके बाद मुझे चांस मिला, मैं सनी देओल के साथ मुझे चांस मिला फुल एंड फाइनल में, एक सोलो का सीक्वेंस पार्ट मिला। फिर उसके बाद गॉड टू सीक्रेट हूँ सलमान के साथ। फिर मैंने अर्जुन शो किया था, जो क्राइम शो स्टार्स पे आता था वो किया। साइड बाय साइड अपनी फिल्म देखी होगी मैंने, एक्शन जैक्सन प्रभु देवा, मैंने वो फिल्म की, वो फिल्म देखी होगी। ग्रैंड ग्रैंड मस्ती किया था सूर्य पुत्र करण, जो सोनी पे आता था, उसमें मैंने लीड कैरेक्टर किया था। साइड बाय साइड जोधा अकबर मेरा शो मैंने बालाजी का वो किया था। फिर चिड़ियाघर शो मैंने किया, उसमें मुझे बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड मिला 2015 में। फिर उसके बाद यशराज ने मुझे ऑफर किया 18 साल की, जो भी मैंने लास्ट ईयर ही मैं जोधपुर में आया था, मैनामगढ़ में मेरा शो था, तो करते गया। और ये सब करते 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 जब मुझे ऐसा लगा कि मेरा जिम भी चल सकता, तो मैंने जिम भी ओपन कर लिया, तो मेरा जिम भी उसमें चल गया। तो बस मेहनत है और हार्डवर्क बहुत सारा है। और मैं जब यहाँ पे आया था लास्ट ईयर जोधपुर में, मेरी मुलाकात हुई सुनील नायर से, तो मेरे अच्छे जिम पार्टनर बन गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी इंसान को स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, या किसी भी बिजनेस में, अगर दिल से अगर वो मेहनत करे, लगन से मेहनत करे, तो डेफिनेटली कोई भी इंसान अपने लेवल पे हार्ड वर्क से लेकर पहुंच सकता है। सिर्फ पेशेंस की जरूरत होती है, जो आजकल के बच्चों में नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि मैं व्हाट्सएप के मैंने ये वीडियोस देखे, मैंने यूट्यूब के वो वीडियोस देखे, लोग यूट्यूब के वीडियोस डालते हैं जस्ट फॉर द बिजनेस, फॉर समथिंग टू लर्न, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है वो लोग डालते नहीं है। जब इंसान बड़ा बन जाता है, बड़ा होने के बाद इंसान अपना वीडियो डाल के खुद को बड़ा दिखाता है, लेकिन जब इंसान छोटे शुरू करता है तो कभी दिखाता नहीं।